सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज, अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं। नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज, उन्नाव गौशाला का औचक निरीक्षण। गौवंशों की देखभाल में न हो लापरवाही, अंकित शुक्ला। जनपद व प्रदेश में गौवंश की कब्रगाह बनी गौशाला, भूख से लगातार दम तोड़ रहे गौवंश। बेसहारा बनकर खेत व सड़क गौशाला में घूमने वाली गौवंश की दुर्दशा बहुत निंदनीय है। गौशालाओं का औचक निरीक्षण करते गौ सेवा प्रभारी अंकित शुक्ला ने गौशालाओं की स्थिति बहुत निंदनीय बताई। वहीं जनपद में गौशाला में गौवंश भूख प्यास दवा न मिलने से तड़प तड़प कर मर रही है। गाय धूप में खुले में मिली, वहीं भूसे के स्टॉक रजिस्टर और पशु रजिस्टर में गड़बड़ी मिली है। गौ सेवा प्रभारी अंकित शुक्ला ने कई ग्राम पंचायत में पहुंचकर गौशाला का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान गौवंश की ऐसी दुर्दशा कैसे हो सकती है, अभी भी गौशालाओं की हालत में कोई सुधार नजर नहीं आ रहा। गौशाला में जानवरों के खाने पीने की कोई व्यवस्था नहीं है। गोवंश पानी के अभाव में भूख से तड़प तड़प कर मर रहे हैं। सूत्रों की माने तो एक दिन में सैकड़ों से अधिक गोवंश की मौत हो जाती है। वही देखभाल करने वाला कोई नहीं है। खुले में मरे पड़े गोवंश को चील, कौवे, कुत्ते नोच नोच कर खा रहे हैं। कुछ गौ माता भूख प्यास की वजह से फिर नहीं सकती, जिन्हें कुत्ते नोच कर खा रहे हैं। आखिर कब बनेगा सपनों का उत्तर प्रदेश? उन्होंने गौशाला में गौवंशों की हालत व उनके इलाज, साफ सफाई, भूसा, हरा चारा, दाना व अन्य अभिलेखों को देखा। उन्होंने वहां पर मौजूद सेवादारों से बातचीत की। निरीक्षण के दौरान गौशालाओं में कई कमियां मिली। गौशालाओं में मिली कमियों व वहां फैली अव्यवस्था को लेकर गौ सेवा प्रभारी अंकित शुक्ला ने नाराजगी जताई। गौशाला में निरीक्षण के दौरान गौशाला के पास जो जगह खाली पड़ी है उसमें फेंसिंग कराकर चारागाह के लिए प्रयोग किया जाए तथा गौशाला में पीपल, पाखक, बरगद जैसे छायादार वृक्ष भी लगवाए जाए। उन्होंने कहा कि चारागाह के पास जो खड़ंजा सही नहीं है उसका मरम्मत कराकर ठीक कराया जाए। आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अंकित शुक्ला है और हम पूरे जनपद व पूरे प्रदेश में अभी जैसे बेसहारा पशु जैसे सड़क पर और खेतों में घूम रही हैं उनको लेकर हम लोग एक मुहिम चला रहे हैं कि जैसे कि हमारे जैसे हम कहते हैं कि जनपद में जितने हमारे सरकारी कर्मचारी हैं वो कार्य नहीं कर पा रहे, तो वो लोग हमें एक जिम्मेदारी दें जो वो एक महीने में नहीं करते हैं, हम एक 15 दिन में करके दिखाएंगे। क्योंकि हमारी टीम इतना आगे रहती है, उस टीम को हम लोग इतना प्रेरित करते हैं और जोश और जज्बा है जिस चीज़ को लेकर हम लोग अपने जनपद व प्रदेश में पूरे कार्य करने का काम करेंगे। और पूरे जनपद ही नहीं, हम लोग देश में भी काम कर सकते हैं। पर हम लोगों सिर्फ एक मांग है कि सरकार से कि हम लोगों को भी कोई ऐसा आइडेंटिटी कार्ड बनाया जाए जिससे हम लोग कभी कहीं गौशाला में जाएं या किसी गाय को पकड़ने जाएं तो हमें लोग ये ना सोचे कि नहीं ये हो सकता है कि गौ हत्या करने के लिए तो नहीं पकड़ रहे हैं। क्योंकि तो आप समझ सकते हैं कि आज देखो आप समाज के लिए बढ़ेंगे तो आपके कई लोग ऐसे होंगे जो विरोधी होंगे, वो आपका पैर खींचना करेंगे।